अस्सलाम वालेकुम, मैं अबू अमल। गन पार्क शोदा ए तेलंगाना की यादगार जो आप देख सकते हैं कि असेंबली हॉल पब्लिक गार्डन बाग़याम की मस्जिद के बिल्कुल रूबरू एक छोटा सा पार्क है। उसमें निज़ाम अली ख़ान बहादुर आसिफ जाह दुअम सेकेंड निज़ाम के दौरे हुकूमत में जो तीन तोपें बनाई गई थी इस पार्क में रखी हुई हैं। बहुत ही खूबसूरत है, देखने से ताल्लुक़ रखती है, नायाब है, जिसको 1786 में बनवाया गया था। फ्रांसीसी जर्नल थे एक, जिनका नाम मोनिसर रेमंड्स था, उनको ख़ास तौर पर बुलवाया गया था 1786 में। बुलवा कर यहाँ पर एक छोटा सा गोला बारूद बनाने की एक फैक्ट्री बनवाई गई थी, जिसको गन फाउंड्री कहते हैं, तोपखाना, जो आलिया मस्जिद के बिल्कुल रूबरू है। आज भी ये महफूज है, गोला बारूद बनाने की फैक्ट्री जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के ज़ेर निगरानी है। वहाँ पर बनाई गई तीन तोपें आप मेरे साथ देख सकते हैं कि गन पार्क में रखी हुई हैं। गन पार्क इसको क्यों कहते हैं? 1969 में तेलंगाना तहरीक के मौके पर 369 बच्चों को गोली का निशाना बनाकर मार दिया गया था, उनकी याद में ये गन पार्क बनाया गया है। हर साल यहाँ पर तमाम सियासी जमातों के कायदीन यहाँ पर आकर उस यहाँ पर अपना एक प्रोग्राम पेश करते हैं। उसी खूबसूरत पार्क में तीन तोपें रखी हुई है। इस तोप की ख़ास बात यह है कि ये 15 फीट की लंबी है और उसके ऊपर उर्दू तहरीर है, नवाब मीर निज़ाम अली ख़ान का नाम लिखा हुआ है और डेट भी लिखी हुई है 1786। बहुत ही खूबसूरत ये तोपें हैं जो तकरीबन 15 फीट की हैं, उस पर जगह जगह उर्दू में तहरीर है। और आप इस पार्क में जब कभी भी आएँ तो ख़ास तौर पर ये तीन तोपों को देखें, बहुत ही मजबूत है, खूबसूरत है। इसमें नक्श व नगार बने हुए, भूल बूटे बने हुए हैं इस पर, जो गन पार्क में यहाँ से गन फाउंड्री जिसको तोपखाना कहते हैं वहाँ पर बनाई गई थी। निज़ाम अली ख़ान बहादुर ने अपनी 44 साल के दौरे हुकूमत में बे इंतहार यादगार तोपें बनाई, उसमें से ये तीन तोपें हैं आप देख सकते हैं। मैं आखिर में आपसे ख्वाहिश करूँगा कि हमने के मौजूदा हालात में जो तारीख़ को तोड़ मोड़ कर पेश किया जा रहा है, हकीकत बताने के लिए हमने हैदराबाद फाइल्स अबू अमल के नाम से एक फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल खोला है। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। हम तारीख़ के हवालों से, हमारे पास तकरीबन 150 से ज़्यादा हैदराबाद दक्कन की किताबें हैं, उसके हवाले और रेफरेंस से आपको इसी तरह नायाब चीज़ों से, इमारतों से, मसाजिद से वाकिफ़ करवाते रहेंगे। अबू अमल।